उमर तार भाई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है यार अपनी गाड़ी के बारे में, कह रहे हैं ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा फाइन है, आप अपने पाँव जो हैं वो जहाँ पे झाड़ लें और फिर मेरी गाड़ी में बैठें ताकि गाड़ी गंदी ना हो, क्योंकि बकौल इनके ये जो डस्ट जो है एक दफ़ा चली जाए तो क्यामत तक ये डस्ट फिर निकल नहीं सकती। लेकिन मुझे व्हाई डिड यू लीव द रूम क्या बोल रहे गाइस, वी आर जस्ट डन विद द ग्रेट बिग इवेंट टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा, सब स्पीकर्स ने बात की और मुझे सबकी बातें बहुत अच्छी लगी, लेकिन सबसे अच्छी बातें मुझे ज़रैन की लगी। सच बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया क्या? लेकिन जस्ट कम हियर, उस होटल से निकल के आपको पता है रात को वहाँ पे हमें अपने चाहत की चीज़ नहीं मिल सकी थी, तो वी चेंज द होटल एंड नाउ वी हैव कम टू होटल वन। कुछ नहीं लिखा हुआ है बट फॉर सम रीज़न लाहौर में बहुत स्मॉग सी, आपको बहुत ज़्यादा धुआं नज़र आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न, एट द सेम टाइम यू थिंक कि ये फॉग नहीं है बल्कि स्मॉग है, यानी इसमें धुआं और गंद बिला और डस्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। सो समबडी टुडे गेव मी टू कार्ड्स आउट ऑफ इंटेंस लव, यू सी 1 2 सेम गाय। अच्छा ही हैज हार्डली एनी टाइम, सो या तो ये और ज़रैन जो सवाल ज़रैन क्या कहते हो, एडवाइस करते हो सामान हम उठा लेते हैं हो भी सकता है। और प्लान ये है कि जी अब हम सेटल हो चुके हैं नए होटल में और यहाँ से हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं अभी, क्योंकि रात के इस वक्त हो रहे हैं 7:36 और भूख शदीद लगी है। हाउ वाज योर रूम? माय रूम वाज, इनके सामने नहीं बताना, बाद में बताऊंगा। ठीक चले, मुझे तो पता नहीं। अच्छा ऐसा करें यार, आप वो करें ना। यस सर। लाहौरी लाइट्स की मैंने बड़ी तारीफ़ की, सम पीपल सेड के इस्लामाबादी लाइट्स भी अच्छी हैं, मैंने बिल्कुल कहा इस्लामाबादी लाइट्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर मैं लाहौरी लाइट्स की तारीफ़ कर रहा हूँ कि उनमें से एक भी फ्यूज़ नहीं है और रात को सारी की सारी जल रही हैं, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। इन ईदर केस इट्स द तारीफ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तारीफ़ भी और बदतारीफ़ी भी, वट एवर वी हैव इन आवर कंट्री वी शुड एक्नॉलेज, और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कंट्री में बेहतरी ला सकें इन वट एवर वे इज़ पॉसिबल। सीरियसली आई डोंट थिंक के तमाम सिटीज़ जो हैं वो अलग अलग हैं और वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं उनको अपने सिटी के बारे में पोजेसिव होना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आई सी ऑल ऑफ द सिटीज़ पार्ट ऑफ वन बिग पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन विच इज़ वन, नॉट डिवाइडेड बाई दीज बाउंड्रीज। वी आर इन सम रेस्टोरेंट अपेरेंटली, व्हिच इज नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स अ फास्ट फूड चेन। द क्यूटेस्ट इन यूथ क्लब, जगह दीजिएगा। Oh, look at what you've done for me. Seriously, look at what you've done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them because they're embarrassing. जी आपको एक दफ़ा पहले मैं लेके गया था स्किल स्कूल, जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बच्चे थे जी, इस्लामिक टीचिंग का बहुत ख्याल रखते हैं, ट्राइंग टू वन हैक ऑफ अ स्कूल इन लाहौर। बच्चे पूछ रहे यार अली का कसम से, हर कोई ये पूछ रहा था। A unique mix of making videos on YouTube, content that inspires many. His cinematography skills are worth watching and being astonished over. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. Without exaggeration, mashallah, in all of Lahore, आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हुजूम बहुत अमेजिंग बच्चों का, इनके लिए बहुत दुआएं करें अल्हम्दुलिल्लाह, ये कल के सुपर हीरोज हैं हमारे इंशाल्लाह। उन्होंने 15 मिनट लगा के सारी कुर्सियाँ टेबल बाहर निकाले, वो बिजनेस मीटिंग रूम था। सो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे ये मतलब दिस इज द पार्किंग लॉट, एज यू कैन सी के यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, और ये वो जगह है जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं,
यहाँ पे आपको ये गंदी सी सफ़ जो है वो खड़ी भी नज़र आ रही है, एंड दिस इज़ बेसिकली द प्रेयर एरिया राइट बिसाइड्स ऑल दिस पार्क कार्स. सो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट फॉर अस. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. बटन बिफोर इट गेट्स टू लेट. ओ इट लुक्स लाइक इट्स गॉन. सो या इट्स गॉन. एक सेकंड का फ़र्क पड़ गया था. एक सेकंड पहले अगर बटन दबा देते तो शायद लिफ्ट मिल जाती. अस्सलाम वालेकुम. जब हम सीढ़ियाँ लेके ऊपर आए तो लिफ्ट नीचे चली गई बेसमेंट में. सो वी हैड टू कॉल इट अगेन टू ग्राउंड फ्लोर. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टू अ प्रेयर रूम या आप होटल मैनेजमेंट से पूछते हैं कि नमाज पढ़ने की जगह कहाँ है, तो दे वुड ऑलवेज डायरेक्ट टू अ प्लेस विच बेयरली लुक्स लाइक ए प्रेयर एरिया. यानी जो बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा फॉरसेकन एरिया होता है वो मस्जिद का होता है. हाउ अनफॉर्चुनेट. सो दिस एग्जैक्टली शोज़ कि हमारे दिलों में इस्लाम की, अपने दीन की और इस्लामी तालीमात की क्या इंपॉर्टेंस है. नो वंडर why our nation is on a decline. That's because we don't value our own identity. सोचने की बात. देखो खाना ऑर्डर करने के बारे में फजूल में सोचने की बात नहीं है. ये पहली लाइन 6 दफा ऑर्डर कर दें और इजी हो गया खाना पूरा. I can see them because they're embarrassing. I'm ashamed of my bad deeds, but I would never.